तो सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आज 4 दिन के बाद आप लोगों के सामने आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं गए थे कलकत्ता कुछ बाइक की सामान खरीदने थे। जो बाइक में हम लोगों का मीटर कंसल्ट होता है, डिजिटल मीटर या मैनुअल मीटर, वो सब हम लोगों का फार्स ख़त्म हो चुके थे और लॉकडाउन भी थे। तो काफ़ी दिन से मैंने सोचा था कि हम जाएंगे और बाइक का जितना भी पार्ट्स हो ख़रीद के लाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, आप लोग तो मैकेनिक हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा जगह बताऊंगा वहाँ हर तरह का पार्ट्स मिलता है। मोटरसाइकिल की जो मीटर होता है, डिजिटल मीटर रिपेयरिंग भी करता है। मैं क्या मीटर का मैकेनिक हूँ, मेरे से भी बहुत अनुभव तजुर्बा है एक मैकेनिक। उस जगह का नाम है कलकत्ता मंदिर गली मुल्लिक बाज़ार पर एक मैकेनिक काम करते हैं डिजिटल मीटर। तो वहीं से हम सब सामान खरीद के लाए हैं और उसी सामान खरीदने के बाद हम बाइक का पूरा मीटर कंसल्ट हम अपने इलाके पर काम करते हैं। तो अगर आप लोगों के अंदर भी वो नॉलेज अगर हो मीटर को अगर ठीक कर सकते हैं, तो आप उसी जगह पे जाइए और मीटर का पार्ट्स लाइए। तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया हूँ, वो क्लिप आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को कहाँ है वो हम बताएंगे वीडियो क्लिप में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहा है यहाँ पूरे कांटे हैं, जितना भी कांटे हैं। बाइक का मॉडल है, दूसरी दो दो मॉडल है मेरे पास, ये कांटा मैंने लिया है। और ये बॉडी भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, इसका कारण मैंने काफ़ी सारे लिया। और यहाँ देख रहे हैं स्प्रिंग जो होता है मीटर की, मैंने शॉप इसलिए लिया है कि बार बार मुझे नहीं जाना है। और ग्लैमर बाइक की डिस्प्ले है, ये भी डिस्प्ले है। और ये मदरबोर्ड न्यू है ग्लैमर बाइक की, डिजिटल मीटर की न्यू मदरबोर्ड है। अब अगर कभी कभी कोई मीटर डिजिटल ठीक नहीं होता है, तो उसका कारण हम लोग ये मदरबोर्ड रखते हैं। तो देखो, ये मदरबोर्ड हम लोगों का एकदम न्यू है। अब सवाल है, ये पेस्ट की ज़रूरत होता है। अगर यहाँ हम लोग देते हैं इस जगह पर तो कांटा हम लोगों का जो है नहीं कपने वाला है। कांटा, ये जो कांटा है, कांटा कभी कभी कपता है, तो ये पेस्ट कम जाने से ऐसा होता है। और ये पॉइंट मैंने देखा है, पॉइंट ख़राब हो जाता है उसका कारण। और ये काफ़ी सारे पॉइंट मैंने लेके आया हूँ जो बाइक में फिटिंग करने वाला हूँ। ये सब चीज़ हम गए थे कलकत्ता लाने के लिए, और मेरे पास 3-4 दिन लगा। और हम अपने रिश्तेदार के घर में थे कलकत्ता में जाके, तो 2 दिन हम वहाँ उसके घर गए थे और रह गया था। तो फ्रेंड, ये है डिस्प्ले के अंदर रहता है, ये अगर ख़राब हो जाए तो भी हम लोगों का मीटर की लिखा जो है कटा आएगा। तो ये था हमारा सप्लाया हूँ। अब आपको दिखाते हैं दुकान कहाँ पर है, तो चलो हम आपको दिखाते हैं। अंतिम गली, देखो भैया, हम आया है यहाँ इस भैया के पास, और पूरे पार्ट्स हमने खरीद लिए है। यहाँ डिस्प्ले है ग्लैमर बाइक का, और कांटा है, और मदरबोर्ड भी हमने लिया है ग्लैमर बाइक का। काफ़ी सारे हमारे पास आता है रिपेयर करने के लिए, तो मैंने सब कुछ लिया है। और यहाँ जितना भी कांटे वगैरह है सब कुछ मैंने ले लिया है। तो कलकत्ता जो मंदिर गली है, ये भैया है और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। और जितना भी बाइक का डिजिटल मीटर हो हम लोगों का वेस्ट बंगाल में, इस भैया का नाम है विनोद साह। वो मंदिर गली में घुसने के बाद दाहिने साइड में पहले ही बैठता है, और यही उसका जगह है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ मीटर गिरा हुआ है। और यहाँ देखिए, जितना भी मीटर है हर तरह का आपको मीटर मिल जाएगा। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आइए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा भैया का, क्योंकि जो बाइक का डिजिटल मीटर होता है बहुत महंगा होता है। अगर आपका 500-600 हज़ार रुपया खर्चा करके आपका मीटर सही हो जाता है, तो इसमें बुराई क्या है। तो आप लोग अगर नज़दीकी हो, कलकत्ता का जो मुल्लिक बाज़ार है, अगर आप लोग नज़दीकी हो तो आप लोग आ सकते हैं, आराम से कर सकता है।
तो मैकेनिक भाइयों, ये जो डिजिटल मीटर खाली नहीं करता है, जितना भी हम लोगों का मैनुअल मीटर होता है, कांटे वाला मीटर होता है, पॉइंट वाला मीटर होता है, सबको रिपेयरिंग करता है और इसके पास हर तरह का पार्ट्स भी रहता है। और सबसे अच्छी बात है, हम भी मालदा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आने का बाद अपने दुकान का जितना भी पार्ट्स वगैरह होता है मैंने ख़रीद लिया है भैया से, और मैंने सोचा एक आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों का बहुत ही काम आए। तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट में कहते थे जो भैया डिजिटल मीटर रिपेयरिंग हमसे कराना। तो भैया हम जो मैकेनिक है, एक बाइक मैकेनिक है, और ये जो भैया आपको विनोद भैया है ना, ये एक्चुअली जो है मीटर का ही मास्टर है, गुरुजी है। तो मैं बाइक मैकेनिक हूँ और ये भैया मीटर के बारे में टेक्नोलॉजी उसके पास है, तजुर्बा है। अगर इसके पास मीटर आप सही कराए ना तो आपके कम बजट में आपका रिपेयरिंग हो जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा क्लिप, आप लोग देख लीजिए जितना भी यहाँ पार्ट्स वगैरह लगा हुआ है छोटू, आप देखो हर तरह का यहाँ आपको मीटर मिल जाएगा, जितना भी मॉडल है, TVS Apache RTR और ये हाईफी का बुलेट का है, RS का है, BMW यहाँ स्कूटी का है, जितना भी आपको यहाँ BMW का भी मिल जाएगा, कार का भी मिल जाएगा। और आपको आप लोगों को रिपेयरिंग भी माल अगर आप लाते हो पुरानी हुई चीज़ को, उसे भैया ठीक करके भी दे देगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करेगा और जल्दी से रिपेयरिंग करके दे देगा। तो यही था हमारा वीडियो, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने भैया का नंबर दे के रखा है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, नया करके आप रिपेयरिंग करके देते हो अच्छी तरह से एकदम, और कम रेट में हो जाते हैं? कम रेट में हो जाता है। तो भैया का डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा और कार्ड भी दे दूँगा, आप लोग बात कर सकते हो। क्योंकि बाइक मैकेनिक जितना भी है, हम लोगों का प्रॉब्लम होता है क्या, मीटर कंसोल को लेके। तो मीटर कंसोल अगर डिजिटल अगर भैया ठीक कर देते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए आप रात को आए और सवेरे नम के भैया के पास आ गई है, दो चार मीटर लाए हैं, तो भैया के पास चाय वाय पीते हैं और भैया काम करके आपको दे देगा। तो यही था हमारा वीडियो। तो सब तरह के यहाँ उसके पास सर्किट रखा हुआ है, अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत होता है तो मेंटेनेंस करते हैं। एकदम नया माल है और बुलेट का है, हर कोई बाइक का है। तो भैया जितना भी मीटर का काम करते हैं, देखो हाँ, तो यहाँ देखो हर तरह का पार्ट्स है उसके पास, और न्यू ओल्ड सब कुछ है। और यहाँ देखो इसका मैशिंग है, रिपेयरिंग का बहुत अच्छा। और ये मीटर आपने बनाया है फ्यूल मीटर चेक करने के लिए? डिजिटल मीटर चेक करने के लिए। हाँ, डिजिटल मीटर इसी से चेक होता है। अच्छा अच्छा, जो मीटर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है भैया। और मैंने देखा तो भैया के पास काफ़ी सारे मीटर है, आप लोगों को देखने लग रहा है पुराना है, लेकिन सब नया नया मीटर है और हर तरह का बाइक का मीटर है। आपको जिस बाइक चाहिए, KTM बाइक हो, रॉयल इनफील्ड हो, जैसे कि सुपर स्प्लेंडर हो, ग्लैमर हो, हर तरह का मीटर मिल जाएगा यहाँ। तो मीटर है और भैया का गोदाम घर जो है उसमें भी हो जाएगा BS6, और इसमें ABS, जैसे कि ABS सिस्टम आया है अलग है उसका, और BS6 का अलग है। इसमें तीन मॉडल है, BS3 का अलग है, BS4 का अलग है, BS6 का अलग है। ये ओल्ड डिज़ाइन, तो BS6 भी आ गया आपके पास? अच्छा बराबर, बिल्कुल। ये प्लेटिना का है? हाँ, प्लेटिना डिजिटल। हाँ डिजिटल, ये BS6 है या 3-4 है? 5 है। अच्छा, सब तरह का मैनुअल मीटर है? हेडली डिवीजन। अच्छा हेडली डिवीजन दिखाई। अच्छा अच्छा, थोड़ा दिखाइए, हाथ में दिखाइए भैया। इसका कीमत कितना है? इसका दाम है 2000 रुपया। 2000 रुपया। अच्छा, मार्केट में कितना मिलता है? कंपनी में दाम कितना? 7-8 हज़ार रुपये दाम। 7-8 हज़ार रुपया कंपनी में। ये कौन सा बाइक का है? ये आपका है हेडली डिवीजन। अच्छा अच्छा, और दूसरा मॉडल दिखाइए। ये एनफील्ड है। हाँ, एनफील्ड का कितना आएगा? ये दो आपका पड़ता है 2200 रुपया। 2200 रुपया, और कंपनी में कितना होता है लगभग? कंपनी में 5500 रुपया। 5500 रुपया। और ये यामा का है? हाँ, यामा का, जैसे कि इसका कितना आएगा? इसका आएगा आपका 3500 रुपये। इसका भी तो यामा का 5000 के ऊपर है। हाँ, 5000। हाँ, तो बराबर देखा भैया का पास। तो भैया का पास देखा अब मैं, भैया से कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भैया आप थोड़ा हमारा व्यूअर को बताइए जो आप काम किस तरह से करता है और रेट के बारे में, और थोड़ा बुलाइए। मेरा पास आने से रेट कम में माल मिलेगा। हाँ, कंपनी का जो ऑप्शन। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए मेरा यूट्यूब चैनल के साथ।